अस्सलाम वालेकुम तुल्ला इबारका, नेक्स्ट वीडियो में वेलकम। तो जैसे कि मैंने पोस्ट लगाई हुई थी ओडीटीआर के क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो अभी आप मेरे सामने ये लाइव ओडीटीआर देख रहे हैं। तो अभी इसमें कुछ मैं आपको टेस्टिंग वगैरह करके बताऊंगा। ये सामने ODF है, तो इसकी है टेस्टिंग वगैरह मैं करके बताऊँगा। मैंने एक लगाया हुआ है यहाँ पर पैचिंग, तो ये मैंने इसको स्टार्ट दबा दिया। तो अभी यहाँ से हम एक ट्रेस लेंगे कि क्योंकि जब आप इंटरव्यू करते होते हैं तो आपको वो किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले तो वो पूछेगा कि ODTR यूज़ किया और कौन सा किया है। तो आपने जो भी ODTR यूज़ किया है, तो है वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो बेसिकली अब होता क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ये पूछेगा कि हाँ भाई, तुमने कौन सा ODTR यूज़ किया, किधर काम किया हुआ है। आपने इंडिया में काम किया हुआ है तो इंडिया का एक्सपीरियंस बताएं, और अगर पाकिस्तान में काम किया हुआ तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बताएं, बंगला में काम किया तो बांग्लादेश का एक्सपीरियंस बताएं। तो सबसे पहले आपने जो मॉडल, जिस मॉडल के साथ काम किया आपने, वो बताना है। जैसे एक्सपो का, मेरे पास एक्सपो का भी पढ़ा हुआ है तो मैं एक्सपो के बारे में बता दूंगा अगर मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रहा हूँ। पाकिस्तान में मैंने JDSU का यूज़ किया था तो मैं वो बता दूंगा। यानी आपने डिफरेंट वो बताना जो आपने काम किया हुआ है, ताकि वो अगर पूछें तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि अगर फॉल्ट केबल कट हो जाती है तो तुमने ODTR से फॉल्ट को कैसे पता करना है। तो उसका सिंपल सा आंसर आपने ये देना है कि सर, जो केबल कटी होगी, मान ले वो किसी एक्सचेंज की केबल आ रही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उस एक्सचेंज में जाना है। जैसे ये एक्सचेंज है मेरे सामने, तो अब मुझे यहाँ पर पता हुआ है कि केबल कौन सी कहाँ पर कटी हुई है, तो मैं सिंपल उसका ODF खोलूँगा। इस तरह मैंने ODF खोल लेना। अब जो सा भी रैक है इसमें से, मान लें इनमें से कोई भी फाइबर है, मैंने वहाँ पे पैच कर लगा देना। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ पैच कर, तो सिंपली मैंने पैच कर लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, उसको मैंने बताना कि भाई मैंने पैच कार्ड ODF पे पैच कार्ड कनेक्ट कर लेना, जो सा टाइप का वो ODF है उस तरह का पैच कार्ड मैंने लगा के, फिर मैंने सिंपली जो है इसको ट्रेस को दबा देना स्टार्ट बटन को ODTR पे। वीडियो में आपको क्लियर आ रहा होगा। फिर जनाब जब हमने ODTR ट्रेस लगाना, तो वो पूछेगा कि भाई टोटल लेंथ अगर 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास यहाँ पे 11 किलोमीटर की है लेंथ, तो मेरे पास सिंपल 11 किलोमीटर की लेंथ है इस वक्त। मान ले अगर आपको जो डेलीगेशन आता है वो पूछता है भाई टोटल लेंथ 11 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है। अब यहाँ पर जो है 11 किलोमीटर पर फाइबर ब्रेक आ रहा है, तो तुम्हें अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन सा क्लोजर किधर लगाया है, कहाँ कितने पे ब्रेक है और क्या मसला हो सकता है, या कोई लॉस आ जाता है ODTR में तो उसको आपने कैसे देखना। तो सिंपली आपको, आपने उसको कहना है कि भाई सबसे पहले जो है कि हम लोग ट्रेस लगाएंगे, और ट्रेस मान लें ट्रेस में जो है सप्लाई लॉस अलहदा दिखाते हैं, कनेक्टर लॉस अलहदा दिखते हैं, और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये केबल कटा हुआ है यहाँ पर, यानी ये एंड पीस है। तो आप बोलेंगे जहाँ पे हमारा केबल कटा होगा वो वहाँ पे हम लोग पता चल जाएगा, क्योंकि हमें टोटल लेंथ तो पता होगी उसकी। मान लें अगर 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर टोटल लेंथ है, अब ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है 11.1 किलोमीटर, यानी मुझे पता चल जाएगा कि मेरी टोटल लेंथ तो 12 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है, लेकिन 11 किलोमीटर पर यह ब्रेक बता रहे हैं। तो मैं उसको आसानी से बोल दूँगा कि सर आपका जो 12 किलोमीटर का अगर लेंथ है, 13 किलोमीटर का लेंथ है, वो 11 किलोमीटर पर ब्रेक है, तो इसका मतलब आपका फाइबर रस्ते में कहीं डैमेज हो गया। अब इसको हमने क्या, वो बोलेगा भाई कैसे ढूंढना, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा कैसे ढूंढना है। तो सिंपली हमने उसको कहना है कि जी हमें, चूंकि हमने इसमें जो क्लोजर शो हो रहे हैं इसका हमारे पास डाटा होता है, जैसे एक ये क्लोजर है 5.8 किलोमीटर पे, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास इसका डाटा है, इसका हम कोऑर्डिनेट लगा लेंगे, इस वाले का भी लगा लेंगे जो मेन होल है, और जो लास्ट में जहाँ पे फाइबर ब्रेक बता रहे हैं ये भी किसी मेन होल में डैमेज होगा या कहीं आसपास होगा, तो हम उस मेन होल का लोकेशन लगा के तो इस पर पहुंच सकते हैं, इस तरह हम अपना फाइबर ट्रेस कर लेंगे। तो उसके बाद वो पूछेगा जी अच्छा, अगर इसके अलावा भी अगर वो कहाँ पे ब्रेक नहीं आ रहा, बैंड आ रहा है, तो उसका क्या हल है। तो सिंपली हम उसको बोलेंगे कि जब ODTR का ट्रेस जाता है तो बैंड की ये निशानी है कि वहाँ पे यहाँ से सीधा जाएगा, फिर एकदम बैठ के फिर आगे को जाएगा, तो वो बैंड की निशानी हो जाती है। और जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछते हैं कि ODTR का जो डेड जोन होता है वो क्या चीज़ है, यानी वो पूछेगा भाई डेड जोन क्या होता है। तो उसको आपने यही कहना है कि डेड जोन बेसिकली जब ODTR की जो वैल्यू, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, ग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ से
अक्सर क्या होता है, फाइबर ग्राफ जो है वो ऊपर को नहीं जाता, एकदम डाउन होके फिर जाता है। तो उसको हम लोग ख़त्म कैसे करते हैं, यानी एकदम सीधा ग्राफ लेके जाने के लिए हम लोग स्पॉन फाइबर लगाते हैं, यानी वो एक्स्ट्रा फाइबर की एक केबल होती है 500 मीटर की, 1000 मीटर की, 1500 मीटर की, वो आपने यहाँ पे कनेक्टर की तरफ लगानी है, इस तरफ में कनेक्टर पे लगाएंगे। और उसके बाद वो स्पॉन फाइबर ऐड करने के बाद आपने जो है कनेक्टर को फिर ODF में लगाना है, तो इस तरह वो डेड जोन ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक उसने क्वेश्चन वगैरह पूछने होते हैं, ज़्यादातर वो इतना कुछ नहीं पूछते हैं। अगर ODTR के रेलेवेंट जो है ना, ये मेन मेन यही चीज़ें पूछते हैं कि मैंने कौन सा यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, केबल कट आ जाए तो ODTR को कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है। उसके अलावा हो सकता है आपसे पूछे भाई कि ODTR में क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, तो आपने सिंपली ये सामने बताना है कि ये सोर्स मीटर है, ये सामने ODTR, ये देखें ये सोर्स ओपन हो गया, यहाँ से आपको वेव लेंथ मिल जाएगी 13:10 की भी 15:50 की भी। ODTR आपने बताना है कि ODTR में आप पल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंज वगैरह किलोमीटर कितने पे रखना है, और ड्यूरेशन वगैरह, मान ले बोले भाई 20 किलोमीटर पे फॉल्ट है, रेंज कितने पे रखोगे, तो आप उसको यही बोलोगे कि मैं 20 किलोमीटर से ज़्यादा रखूँगा, और जो टाइम है वो भी थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, वेवलेंथ भी बढ़ाऊँगा ताकि सही तरह जो है ना वो लेज़र अपना काम कर सकें। इस तरह ये इवेंट आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर फाइबर ब्रेक है, क्या क्या मामला है, मैयर आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना पर किलोमीटर पर कितना लॉस होता है, सारा कुछ 0.3, 0.4, 13:10, 15:50 में ये टोटल लेंथ आ जाएगी। तो ये बेसिक वगैरह क्वेश्चन वगैरह वो पूछते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पर और तफसील से बात होगी जब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो लास्ट में चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे।